और जी कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को सेवन शोल्डर एक्सरसाइज बताने वाली हूँ इस एक्सरसाइज बैंड से। जिन्होंने नहीं मंगवाया ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए, क्योंकि जिम खोलना अभी पॉसिबल नहीं है, और खुल भी जाता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। तो एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप घर पर करें या चाहे जिम पर करें। एक्सरसाइज फिलहाल आप घर पर कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना चाहिए। हमारे फिटनेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सबको पता है। और बाकी हाँ, मैं यहाँ पर जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे जितने भी मैं बताऊँगी, आपको 3 सेट करना है और 10 से 15 करना है। अगर आप हार्ड करना चाहते हैं तो आपको 5 बार करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपना शोल्डर एक्सरसाइज। हम इस एक्सरसाइज बैंड से कैसे कर सकते हैं? सो गाइज, मैं आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ये आपको बैठ के करना है। आप चाहो तो खड़े होकर भी कर सकते हो, मैं बैठ के कंफर्ट हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा हार्ड लगता है इस वजह से। तो बैठ के जब आप खड़े होकर करेंगे तो इसे पैरों के बीच आपको रखना है, और जब बैठ के कर रहे हैं तो घुटने के पास रख के, और ये इस तरीके से आएगा। पोजीशन का आपको ध्यान रखना है, आपका शोल्डर इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से आपको 3 सेट लगाने हैं और 10 से 15 लगाने हैं। अगर आप हार्ड वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपको इसे 5 बार करना है, यानी 5 सेट लगानी है। डन। सो गाइज, अब सेकेंड एक्सरसाइज आपको कैसे करना है, वो भी आपको इसी तरीके से करना है। आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अब पहले मैंने इसे यूं पकड़ा था, अब इसे आपको यूं पकड़ना है, जैसे हम आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आएगा और ये आपका पीछे आ जाएगा, और सीना आपको थोड़ा बाहर रखना है, और ये इस तरीके से जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आपको 3 सेट लगाने हैं, या आप हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 5 सेट लगाने हैं, और वही 10 से 15 बार आपको करना है। डन। गाइस, थर्ड एक्सरसाइज भी बैठ के ही होगा, आप चाहो तो खड़े होके कर सकते हैं। सेम पोजीशन, ये इस तरीके से जाएगा, लेकिन इस बार ये चीज़ आपका, ये चीज़ जो है ये एक एक करके हम ऊपर करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से आपको ये सेट लगाने हैं। ये आपको जब आप ऐसे लगाएंगे ना, तो यानी कि जब आप 10 कर रहे हैं तो आपको 20 करना है, 10 इससे 10 इससे, तो इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं और 10 से 15 आप कर सकते हैं। डन। सो गाइस, अब फोर्थ एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या करना है। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपको ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, और ये आपका पॉज हो जाएगा, ठीक है? और ये आपका हैंड इस तरीके से, और ये 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से गाइस आपको 3 सेट लगाने हैं और 10 से 15 बार करना है। डन। सो गाइस, अब पांचवा एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या करना है। पांचवा एक्सरसाइज के लिए ये आपको कहीं पे इस तरीके से अटकाना है, और उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है सीधा सामने, और ये चीज़ जो है आपका शोल्डर यूं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, और आपका जो चेस्ट है वो थोड़ा बाहर के साथ तन के खड़ा होना है, और ये इस तरीके से होगा। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आपको 3 सेट लगाने हैं और आपको 10 से 15 बार करना है। डन। सो गाइस, अब 6 नंबर का एक्सरसाइज क्या है, उसके लिए भी आपको इसे यहीं पे छोड़ देना है, और एक आपको होल्ड करके रखना है इस तरीके से, और एक आपको शोल्डर थोड़ा उठाना है, और ये चीज़ आपको पंच करना है, जैसे हम पंच मारते हैं ना किसी घूसा, और ये आपको शोल्डर को थोड़ा इस तरीके से बाहर निकालना है, और ये इस तरीके से जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसी तरीके से आपको करना है, थ्री सेट करने हैं, जैसे कि 10 बार इधर से करना है, फिर 10 बार इधर से करना है। हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 5 सेट लगाने हैं। डन। सो गाइस, लास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज, वो कैसे करना है? उसे करने के लिए आपको इस तरीके से इसे पैरों के बीच रख देना है, ये देख सकते हो आप, और ये इस तरीके से आएगा। थोड़ा गैप बना लेना है जितना आप थोड़ा टाइट कर सके, और उसके बाद ये चीज़ ऐसे होगा, सीधा बिल्कुल सीना तान के आपको खड़ा होना है, और उसके बाद 1 2 इसी तरीके से आपको शोल्डर की एक्सरसाइज करना है। आपका शोल्डर बिल्कुल स्लो स्लो आप ऊपर ले जाएंगे, और ये नीचे आराम से बिल्कुल आपका जो सीना है बाहर की तरफ सामने आप देखेंगे, और बिल्कुल स्लो स्लो लेके आना है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। बाकी एक्सरसाइज गाइस बिल्कुल डन हो चुका है, बारिश आ चुकी है बहुत तेज की, और मैं लास्ट का एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज डन है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा ना मुड़के खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं या यूँ होते हैं, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। ये रेजिस्ट्रेशन बैंड है, इसके लिए आपको थोड़ा यूँ करना है, सामने करना है, और उसके बाद ये ऐसे पीछे जाएगा। 1 2 ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? इससे होगा ये गाइस, कि जो बहुत सारे लोग जो टेढ़े टेढ़े खड़े रहते हैं, आलू बड़े खड़े होते हैं ना, तो उनके लिए पता है क्या, वो ठीक हो जाएंगे। और एक आदत और रखो, जब आप टेढ़े खड़े के खड़े रहते हो, मुझे भी प्रॉब्लम थी, मैं बहुत टेढ़ी रहती थी, तो उसके बाद क्या है कि जब आप ऐसा महसूस करो तो कोशिश करो ये चीज़ आपका बन सकती, तो ये चीज़ आपका, ये आपको ऐसे करना है, ये ऐसे जाएगा, और बिल्कुल आप तन जाओगे, फिर उसके बाद बिल्कुल आप सीधे लगोगे, ठीक है? एक बहुत से होते हैं कि यूँ हो जाते हैं, ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल इससे शोल्डर को पीछे करके फिर होना है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। और ये वाला एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, जिसे जो थोड़ा मुड़के रहते हैं। बाकी वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं, वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अंदर जाना चाहिए, बारिश बहुत तेज आ चुकी है, शायद आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, फिट रहो, स्वस्थ रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो।